नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता इस चुनाव में मजा चखाएगी। दिल्ली की जनता कांग्रेस को आशा भरी नजरों से देख रही है। एनसीडी चुनाव को लेकर कांग्रेस की कैसी है तैयारी, जानिए जिला अध्यक्ष मनोज यादव की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर के जायसवाल के साथ। मैं अभी मौजूद हूँ आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में और मैं जानने आया हूँ कि कैसी चल रही है, यहाँ पे कौन कौन दावेदार हैं, कितने लोगों की लिस्ट बनाई गई है। सर, क्या तैयारी है कांग्रेस पार्टी की यहाँ से? कांग्रेस पार्टी शुरू से सड़कों पे और चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली में लगभग 1000 एप्लीकेशंस लोगों ने दी हैं, एंड एवरेज 4 कैंडिडेट एक उस पर सीट पर आ रहे हैं और कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। लिस्ट जल्दी फाइनल हो जाएगी और उसको हम डिक्लेयर करेंगे और हम अच्छे और कर्मठ कार्यकर्ताओं को टिकट दे रहे हैं और रिजल्ट आप देखोगे कि चौंकाने वाले होंगे। कितना उत्साह है सर कार्यकर्ताओं में इस चुनाव को लेकर? नहीं, कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साह में है। आपने पीछे देखा भी होगा, जितने भी हम धरने प्रदर्शन या हम कोई भी प्रोग्राम करते थे तो उसमें ना बीजेपी के साथ इतने आदमी होते हैं, ना आम आदमी पार्टी के साथ। कांग्रेस के साथ हजारों हजार आदमी इकट्ठे होते हैं और वो कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ जुटे हुए हैं। क्या मुद्दे लेकर सर लोगों के बीच में जाने वाले हैं आप लोग इस चुनाव में? जायसवाल जी, मुद्दे आप जानते हैं, हर मुद्दे को उठाते आए हैं। केजरीवाल ने दिल्ली को नशे की राजधानी बनाया, प्रदूषित राजधानी बनाया, कोरोना काल में लोग बिना ऑक्सीजन, बिना बेड और बिना दवाई के मर गए। ये अपने हेल्थ को एक मॉडल बताते हैं, लेकिन कोरोना में वो मॉडल कहाँ था? शमशान भूमि पे लाइनें लगी हुई थी अंतिम संस्कार के लिए। तो ये मॉडल था, ये दिल्ली का मॉडल है, मॉडल था दिल्ली का शीला दीक्षित सरकार का। उन्होंने लगभग 300% दिल्ली में ग्रीनरी बढ़ाई थी। क्या शीला जी के टाइम पे पोल्यूशन के नाम पे कभी दिल्ली को बंद किया, कोई प्रतिबंध लगाए? कभी भी नहीं लगे। उस टाइम भी पराली जलती होंगी, उस टाइम भी वाहन चलते थे, लेकिन शीला जी ने ग्राउंड पे काम किया। जब प्रदूषण फैलने लगा तो उन्होंने पूरा डीटीसी का बेड़ा सीएनजी पे लेके आई, कारों को प्राइवेट टैक्सी, ऑटो, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट था उसको सीएनजी पे लेके आई। तो ठोस कुछ करने की जरूरत है। आज ये पानी का बुछार करते हैं, इन्होंने कहा कि हमने स्मोक टावर लगा दिया, 20 लाख का स्मोक टावर, उस पर 5 करोड़ की इन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर दी और वो स्मोक टावर अभी भी नहीं चल रहा। पराली के नाम पर इन्होंने एक वो डिकम्पोजर बनाया, 68 लाख का वो खरीदा और उस पर 23 करोड़ की उसने एडवर्टाइजमेंट कर दी। ये केजरीवाल के काम है। दूसरा, बीजेपी जिसने दिल्ली को बिल्कुल, दिल्ली को क्या, देश को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के गर्त में धकेल दिया। तो ये सब मुद्दे हैं और जनता देख रही है कांग्रेस की तरफ। एक तरफ कांग्रेस का शीला दीक्षित सरकार का शासन था, दूसरी तरफ बीजेपी और केजरीवाल का शासन है। तो लोग ये चाहते हैं कि शीला जी वाली दिल्ली, चमकती हुई दिल्ली बने, ना कि प्रदूषित, बेरोजगार, भ्रष्टाचार और शराब की राजधानी बने। तो कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और लोगों में बहुत उत्साह है और आप देखना कि मेयर दिल्ली में हमारा बनेगा। कौन कौन से स्टार प्रचारकों को बुलाया जाएगा नुक्कड़ सभा के लिए, बड़ी जनसभा के लिए, क्या तैयारी है कांग्रेस पार्टी की? नहीं, कांग्रेस पार्टी का हर नेता अपने आप में एक स्टार प्रचारक है। हम जिस कार्यकर्ता को देंगे अपने क्षेत्र में वो स्टार प्रचारक है और जो पार्टी की तरफ से हमारे नेता आएंगे वो सब आए, हमारी तरफ से सबका स्वागत रहेगा और सबको बुलाएंगे भी। तो स्टार प्रचारक सभी हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में किसी की कमी है। कांग्रेस का जो कैंडिडेट होगा वो अपने आप में एक स्टार प्रचारक है। देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है, मिलते किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।